आखिर किस उम्र तक सेक्स करना सही होगा, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा। आगे बढ़ने से पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियोस को देखते हैं और अपने कीमती वक्त में से अपने इस भाई के लिए कुछ लम्हे निकालते हैं और इसकी मुहिम में इसका साथ देते हैं, बिकॉज मैंने तो ये मुहिम बना रखी है आप लोगों की सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने की। चलिए आज के टॉपिक को लेके हम आगे बढ़ते हैं कि सेक्स कितनी उम्र तक करना चाहिए। बिकॉज लोगों के हमारे पास अक्सर रोज ये सवाल आते हैं कि सर मेरी उम्र तो 50 साल हो गई है, क्या मैं करूं या ना करूं, या मेरी वाइफ कहती हैं जी कि अब तो मेरे पीरियड्स भी बंद हो गए, अब रहने दो, अब भगवान का नाम लो, या कई लोगों का होता है कि सर अब तो मैं दफ्तर से भी रिटायर हो गया हूँ, मेरे पास टाइम तो बहुत होता है, मगर बीवी कहती हैं कि अब तो दोते पोते हो गए, कौन सी दुनिया में घूम रहे हो, बाहर निकलो। मैं सभी को एक बात कहना चाहूँगा, देखिए मैं ना तो हमारी किसी एंशियंट बुक्स के खिलाफ हूँ, ना ही मैं किसी की भी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ हूँ, मैं यहाँ पे प्योरली साइंटिफिक चीज़ों के बारे में बात करूँगा। यदि आपका कंसर्न है कि साइंटिफिकली आपको मेल या फीमेल, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, सेक्स कितनी उम्र तक करना चाहिए, तो उसका सीधा सिंपल सा जवाब होगा जब तक आप चाहते हैं। और जो भी मेल्स या फीमेल्स मैंने अपनी स्टडीज़ में देखा है, बहुत सारी स्टडीज़ को स्टडी किया, पढ़ा है, और मैंने अपनी प्रैक्टिस में कितने ऐसे कपल्स देखे, मैं आई हैव अटेंडेड द पेशेंट्स, दोज आर 90+ ऑल्सो, कैन यू इमेजिन दैट, 90+ से ऊपर का आदमी अगर हमारी क्लिनिक में इलाज करवाने के लिए आता है, एंड आई ऑलवेज से मतलब आई फील के सल्यूटिंग दैट पर्सन, मेरा दिल करता है उस आदमी को सैल्यूट करूं, उसके वो उसकी उस फीलिंग को, उसके उस जज्बे की इज्जत करूं कि वो 90+ या 100+ होने के बावजूद भी ये नहीं सोच रहा है कि भैया अपना तो वक्त गया। सो ये लोग जो जिंदा दिली रखते हैं ना, वो आखिरी सांस तक भी सेक्स करना चाहते होते हैं। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, यदि आपका शरीर साथ देता है, आपका पार्टनर आपका साथ देता है, तो आपको उस आखिरी सांस तक भी अगर आप सेक्स करना चाहते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। वो जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं कि मुझे ताउम्र आखिरी सांस तक सेक्स करना है, अपने पार्टनर के साथ अच्छे से बेहतरीन सेक्स लाइफ जीनी है, आप कभी भी देखिएगा उन लोगों को, आप जब मिलेंगे ना, वो बहुत ज़िंदा दिल महसूस होंगे आपको, और वो अपने आप की उम्र के अकॉर्डिंगली, जितनी भी उनकी उम्र होती है, वो अपनी उम्र से हमेशा कम नज़र आते हैं और बहुत एक्टिव नजर आते हैं और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं। सो अगर आपको किसी को भी ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मार्क है यार, कब तक सेक्स करूं, तो सीधा जवाब मैंने पहले भी दे दिया, फिर से दे रहा हूं, जब तक आप और आपका साथी दोनों चाहते हैं आप तब तक सेक्स करें। और यदि मान लीजिए कि बढ़ती उम्र के कारण, किसी भी उम्र पे यदि आपको लगता है कि अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या आने लग गई, इच्छा तो बहुत होती है मगर करने की ताकत नहीं होती, तो उसके लिए इलाज पॉसिबल हो जाएगा ना। आप हमारे ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू आप हमारे डॉक्टर से बात कीजिए, अपना इलाज करवाइए और अपनी उस हर इच्छा को पूरा कीजिए जो आप करना चाहते थे। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे परिवार पालने की मजबूरियों में अपने सेक्स के शौक को कभी पूरा कर ही ना पाए, वेकेशंस पे जाना चाहते थे, हनीमून पे जाना चाहते थे, वो दौर ऐसा होता था कि उस वक्त के मां बाप ने कहा कि ये कौन सी चीज है नई। सो अब ये आपका वक्त है, चाहें तो आप अपने बेडरूम में हर रोज़ हनीमून मनाएं, आपके बच्चे यदि सेटल हो रहे हैं, आपके बच्चों की जिम्मेदारियां आपके कंधों से हटती जा रही हैं, ये वक्त है आपका अपने लिए जीने का। फिर से जला दे चिंगारी अपनी इस बुझी सी शम्मा में और रोशन कर ले अपनी ज़िंदगी को फिर से, यही मौका है ज़िंदगी को जीने का फिर से। Keep enjoying great sex life.